थिंक आपने भी बात की कि जो ट्रेडिशनल पावर्स हैं उनके साथ हम जो है अलायंस में आ रहे हैं, चाहे आर्म्स डील हों या बाकी चीज़ें। लेकिन उस बीच जो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को जो है माइनॉरिटीज पर सीख देने की कोशिश की है। किस तरह से देखते हैं, जब प्रधानमंत्री वहां पे थे, एक तरफ बाइडन जो है उनका स्वागत कर रहे थे, तो ओबामा जो है एक डिफरेंट लाइन लेकर कहीं ना कहीं सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे इंडिया को माइनॉरिटीज पर। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर करेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। श्री शाहनवाज हुसैन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है, उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.